मोदी जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान एक सर काटेगा हम 10 सर काटते लेके आएंगे। जब से मोदी जी देश के पीएम बने हैं जितने ज्यादा सैनिक मोदी जी के राज में मरे हैं कभी इतने सैनिक हमारे शहीद नहीं हुए। बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, जितने ज्यादा सैनिक इसके राज में शहीद हुए कभी शहीद नहीं हुए। इसलिए इसने देश के सैनिकों को बहुत सारे नौजवानों को साथियों मैं कहूंगा हमारे देश को कमजोर करने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, क्या कहा था कि सब गरीबों को मकान देंगे, सब गरीबों को मकान देंगे। अब क्या कहते हैं मोदी साहब के मकान तो देंगे लेकिन 2022 में देंगे राजमंडी तक रहेगा। मकान 22 में देने की बात करते हैं, राजमंडी तक रहना है। अभी क्या होगा मैं सावधान कर रहा हूं आप लोगों को, आपके घरों में बीजेपी के लोग आएंगे, आरएसएस के लोग आएंगे, आपके फार्म भरने आएंगे, आपको कहेंगे फार्म भरो आपको मकान मिलेगा, आपके फार्म भरवा के लेके चले जाएंगे। जब उन्नी का इलेक्शन आएगा फिर आएंगे बीजेपी वाले, आपके मकान का हमने फार्म भरा है, अगर वोट बीजेपी को देंगे तब मकान बनेगा, अगर आपने किसी और को वोट दे दिया फिर मकान नहीं बनेगा। 3 साल बीत गए हैं, ना काला धन आया, ना महंगाई रुकी, ना नौकरी मिली, ना मकान मिला, आगे भी नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं। इसलिए बेकाबे में मत आ जाना कि कहीं फार्म भरने के चक्कर में कि हमें मकान मिलेगा, ये नहीं मकान देने वाले हैं। इसलिए आज पूरे हरियाणा में हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं जो सर्विस करती हैं, आंगनवाड़ी की महिला पूरे हरियाणा में हड़ताल पे, पूरे हरियाणा में उसे वेतन नहीं दिया जाता, कोई उसके महकमे को सरकारी विभाग का दर्जा नहीं दिया गया है। आशा वर्कर जो हमारी आशा वर्कर काम करती है उसे 500-700 हजार रुपया मिलता है, वो भी सड़क पे है। खट्टर साहब ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने नौकरी तो क्या देनी थी, मास्टर हटा दिए, नर्से हटा दी, डॉक्टर हटा दिए, रोडवेज वाले हटा दिए, जिनको नौकरी दी गई थी उनको हटाने का काम किया। आज सारे जिले जितने दफ्तर हैं डीसी के, डीसी साहब के दफ्तर के सामने में सब नर्से डॉक्टर धरना लगा के बैठे हैं, सब मास्टर धरना लगा के बैठे हैं। इन्होंने नौकरी देना तो दूर, जिनको नौकरी दिया गया था उनका नौकरी छीनने का काम किया। मोदी जी ने नारा लगाया, खट्टर साहब ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। अभी सोनीपत में थानक समाज की 22 साल की लड़की को उठाया गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, बलात्कार करके टुकड़े टुकड़े करके मारा गया, रोत की झाड़ियों में फेंक दिया गया, कुत्ते नोच के खाते रहे, कीड़े पड़ गए, लड़की की डेड बॉडी भी उठाने लायक नहीं थी। ना खट्टर साहब आया, ना मोदी साहब आया, अमित शाह बीजेपी का प्रधान रोहतक में आया, एक दलित के घर में खाना खाने का नाटक करता है अमित शाह, लेकिन जिस दलित लड़की को बलात्कार करके मारा गया टुकड़े टुकड़े किए गए, खट्टर साहब के पास अमित शाह के पास उस घर तक जाने का टाइम नहीं था। कौन गया वहां पर? अगर कोई गया, हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम सोनीपत में गई, लड़की के घर गए, हमने गुंडे लोगों को जेल भिजवाने का साथियों काम किया, हम लोगों ने एजिटेशन किया, लेकिन ये खट्टर साहब नहीं गया, अमित शाह नहीं गया। अभी मैं पुराना में गया, 6 साल की लड़की, 6 साल की बच्ची को उठाया, 6 साल की बच्ची को गुंडे ने उठाया, उसका बलात्कार किया, उसके गुप्तांगों में सरिये डाल करके बहुत बुरी तरह से बच्ची को मारा गया। 6 साल की बच्ची से क्या दुश्मनी हो सकती है? 6 साल की बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा गया। हम बेटी वाले लोग हैं, बेटी किसी की भी होती है, सबकी बराबर होती है, बेटी बेटी होती है। उकलाना में 6 साल की बच्ची को रेप किया गया, फिर मर्डर किया गया, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। ये सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले पूछते हैं कि मोदी साहब जिस
जिसने अपनी शादी किया था उसको तलाक दिया है या उसको छोड़ा है, 498 लगी है, कौन सी लगी बताओ? आज कोई जवाब नहीं है। वो भी किसी की बेटी है जिसने मोदी जी ने शादी किया था उसे ही छोड़ दिया। किस बेटी की रक्षा करने की बात करते हैं? कौन सी बेटी की रक्षा करने की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी साहब जो अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल पाए वो देश को संभालने की बात करते हैं। इसलिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके देश को कमजोर करने का काम किया है। आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गांव गांव में मैं जा रहा हूं, अभी क्या किया है कि महंगाई कम करेंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे, लेकिन अब मीटर घर से बाहर लगा रहे हैं, पोल पे मीटर लगा रहे हैं, पोल पे मीटर लगा रहे हैं। 5,000 का बिल, 7,000 का बिल, 10,000 का बिजली का बिल आ रहा है। हमारे गरीब आदमी के घर में 2 बल्ब जलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, 1 TV चलता है, कितना बिल आना चाहिए उसका, कहां से बिल आना चाहिए? लेकिन 5,000, 10,000, किसी का 15,000, 20,000 के मीटर लगाए गए बाहर, बिल भेज रहे हैं। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा ना घर के अंदर मीटर होगा ना घर के बाहर मीटर होगा। अब ये मीटर मुटर उतार के फेंक देंगे सब। हमने क्या करना है, गरीब आदमी के घर का 1 रुपया बिजली का बिल होगा एक दिन का, सिर्फ महीने का 30 रुपया बिल, सिर्फ 30 रुपया बिल, एक दिन का 1 रुपया बिजली का बिल। हमने मशीन नहीं चलानी, हमने कोई बड़ा मशीनरी नहीं चलानी। गरीब के घर में 2 बल्ब चलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, 1 TV चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। छोटे छोटे मकान हमारे हैं। गरीब के घर का 1 रुपया बिजली का बिल एक दिन का किया जाएगा, 30 रुपया महीना लेंगे, ना मीटर अंदर होगा ना मीटर बाहर होगा। ये कहते हैं हम बिजली के बिल माफ करेंगे। अगर किसी का बिल 20,000 आया है, 30,000 आया है, 40,000 आया है, अगर वो बिल नहीं दे पाया हम सारे बिल माफ करेंगे गरीबों के पिछला माफ, अगला 1 रुपए के हिसाब से देना है, बस कुछ पिछला सारा खत्म। सर छोटू राम जी का नाम सुना है? सर छोटू राम जी के बारे में कहते हैं कि उसने बड़े बड़े सेठों की बाई पे कांटे मार दिए थे, सब लकीर फेर दी थी। भाई ये जो सेठिये हैं इनकी बाई पर लकीर मारने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार करेगी। अभी मोदी जी ने नारा लगाया कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस के लोग भी नारा लगाते हैं हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, करो पर करते नहीं है, किसान का भी नहीं करते हैं, लेकिन मजदूर की बात कोई नहीं करता कि मजदूर का भी कर्जा माफ हो। इसलिए हम ये कहते हैं किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मजदूर का कर्जा माफ होना चाहिए, मजदूर का भी कर्जा माफ होना चाहिए। मजदूर ने क्या कसूर किया है? मजदूर देश का नागरिक नहीं है। किसानों के कर्जे माफ हो, लेकिन उससे पहले मजदूरों के भी साथियों कर्जे माफ होने चाहिए। ये क्या कहते हैं, हम सगन स्कीम देंगे, हम सगन स्कीम देंगे, आपकी लड़की को सगन देंगे शादी में। कोई कहता है 21,000, फिर कांग्रेस बड़े आते हैं वो कहेंगे 31,000, फिर अगले बार बीजेपी बड़े आएंगे वो कहेंगे 41,000, फिर बीजेपी कांग्रेस के लोग आएंगे 51,000। ऐसे बोली लगाते हैं जैसे भैंस खरीदनी हो। ये करते हैं हमारी मदद, कहेंगे शादी के टाइम पर अगर लेट गए के लेट आए हैं अब शादी चली गई, अगर पहले चले गए फिर कहेंगे अभी शादी दूर है अभी क्यों आ गए, देना तो है नहीं है। लेकिन बहन जी क्या कहती है, बहन कुमारी मायावती जी क्या कहती है कि बहन को शगन नहीं, बहन के भाई को सरकारी नौकरी देने का काम करो, बहन के भाई को सरकारी नौकरी देने का काम करो। अगर बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में राज आएगा, एक परिवार और एक सरकारी रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। एक परिवार में सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। अगर प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी होगी तो भाई गरीबी दूर हो सकती है। ये क्या कहेंगे बीजेपी बड़े कांग्रेस बड़े के अनपढ़ को कैसे नौकरी देंगे, ये जितनी सड़कें बन रही हैं मैं देखता हूँ सारे अनपढ़ मजदूर लगे रहते हैं, जितने फ्लाईओवर अनपढ़ मजदूर, रेल लाइन अनपढ़ मजदूर,
बिजली के पोल, अनपढ़ मजदूर, बड़ा स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े सरकार की बिल्डिंग, सब अनपढ़ मजदूर बनाता है। हम क्या करेंगे? हमने जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ भाई हैं, उनको हम मजदूरी में भर्ती करके, उनको हम लेबर के अंदर भर्ती करके एक परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी देने का काम करें। जो हमारे बच्चे जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीएड किया है, जेबीटी किया है, सीएनएम एएनएम किया है, जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर होंगे, कोई क्लर्क लगेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, उसके लिए भी हमारे पास बड़ा प्रोग्राम है। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी पढ़े लिखे को उनकी जैसी योग्यता होगी उसके आधार पे काम देने का काम करेगी, और जो हमारे अनपढ़ लोग होंगे उनको भी रोजगार देने का काम हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन ये बीजेपी के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी कहते थे मैं चाय बेचता हूं, अब मोदी जी ने पंतारी रेलवे स्टेशन बेच दिए हैं, कल को रेल लाइन बेचेंगे, परसों को रेलगाड़ी बेचेंगे, ये पूरा देश बेचने में लगे हैं, रोडवेज को प्राइवेट कर रहे हैं। रोडवेज को अगर प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा? ना ट्रक लगेगा, ना ड्राइवर लगेगा, ना मैकेनिक लगेगा, कोई भी नहीं लगेगा। अगर रोडवेज प्राइवेट हो जाएगा एक मालिक का फायदा होगा, लेकिन अगर रोडवेज सरकारी रहेगा तो फिर उसमें कंडक्टर भी लगेगा, ड्राइवर भी लगेगा, क्लर्क भी लगेगा, मैकेनिक भी लगेगा, बहुत सारी वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे मैकेनिकों की जरूरत होती है। लेकिन ये सरकार रोडवेज को साथियों खत्म करना चाहती है, बिजली बोर्ड को खत्म करना चाहती है, शिक्षा को खत्म करना चाहती है। आज गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आज हमारा गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में क्या है, हमारे बच्चे जाते हैं उनका दिमाग कहाँ रहता है? थाली में रहता है, प्लेट में रहता है। आज क्या मिलेगा मिड डे मील में? लेकिन बहन जी का राज यूपी में आया था, माननीय बहन जी ने क्या किया, हमारी लड़कियों को, हमारे लड़कों को 10-10 हजार रुपया, 20 हजार, 25 हजार, जैसे जैसे बड़ी क्लासे होती गई, माँ बाप को पैसा दिया, लड़की को आने जाने के लिए स्कूल में साइकिल दिया, उसको वजीफा दिया, वर्दी फ्री किया, किताब फ्री किया, पढ़ाई को मुफ्त किया, और ये कहा कि पैसा दे रहे हम अपने बच्चों को पौधे का।